हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर दिव्या मैम फ्रॉम योर एमईपीएल एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ब्रॉट बाय आईसीएसआई फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर एग्जाम्स इन जून टर्म. तो जो जून 23 टर्म में बच्चे अपियर करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के, उनको मैं बता दूं इंस्टीट्यूट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिलीज किया है. वो अनाउंसमेंट क्या है मैम, जल्दी से बता दीजिए. बट अनाउंसमेंट बताने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है. और कोई भी क्वेरी आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना. तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम जो आपका जून के लिए शेड्यूल हो चुका है, मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑल दीज सर्विसेज. अगर आपको अपना सेंटर चेंज करना है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट. अगर आपको अपना मॉड्यूल भी चेंज करना है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अगर एक मॉड्यूल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप दूसरे मॉड्यूल के लिए अभी करवा सकते हो. यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर विच यू हैव ओरिजिनली रजिस्टर्ड योरसेल्फ. यानी आप खाली चेंज कर सकते हो. मान लो कि आपको एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाना है या दूसरे से पहले वाले में आना है, लेकिन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, ठीक है. और इसके अलावा अगर आपको अपना मीडियम चेंज करना है, जो लैंग्वेज होता है मीडियम होता है, वो आप चेंज कर सकते हो. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान लो कि पहले एग्जाम्स दे रखा है और आपका कोई पेपर में एग्जेम्पशन आया था और वो एग्जेम्पशन को आप कैंसिल करना चाहते हो क्योंकि मे बी आप सोच रहे हो कि यार मेरा उससे ज्यादा आ जाए या मुझे रैंक लेकर आना है, तो आप जो है एग्जेम्पशन को कैंसिल कर सकते हो अभी भी, ठीक है. फिर इसके अलावा आपको एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, मान लो आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट्स में मैंने ठीक से जो है फाइलिंग नहीं किया, कोई डिस्क्रिपेंसी था, तो वो जो डॉक्यूमेंट आप रीसबमिट कर सकते हो फॉर ग्रांटिंग एग्जेम्पशन, ठीक है. और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक चीज और बोला है कि अगर आप जैसे कोई एग्जेम्पशन लेना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, जो LLB और ICI का जो कोर्स है वो करके बैठे हैं जो बच्चे, तो उन्हें कोई एग्जेम्पशन मिलता है कोई पेपर्स में, तो उसके लिए अगर मान लो आपको कुछ जो है नोटिफिकेशन देना है कोई चीज में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, तो वो भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट कर सकते हो. तो ये जो सारे फैसिलिटी मैंने आपको बताए हैं, ये फैसिलिटी आपके स्टार्ट हुए आज से यानी 10th of April से, लेकिन ये विंडो इंस्टीट्यूट ने खोल रखा है ओनली टिल 1st of May. तो ज्यादा दिन नहीं बचा है बच्चों, 10th of April से 1st of May तक का ये विंडो है और 1st of May में भी 4 बजे जो ये विंडो क्लोज हो जाएगा. तो अगर आप अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हो या मॉड्यूल चेंज करवाना चाहते हो या मीडियम चेंज करवाना चाहते हो या एग्जेम्पशन को जो है आप डिसओन करना चाहते हो, तो ये सारे जो है सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टिल 1st of May, ठीक है. तो ये था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय ICSI. मैं आपको बता दूं कि जैसे MEPL हर वक्त हर समय आपका साथ देते आया है, MEPL में हमेशा सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हो, MEPL कोई कसर नहीं छोड़ता है पहले लाने का, तो वैसे ही सब कुछ होने वाला है. इसके अलावा जिन बच्चों का एग्जाम्स है जून में, उनके लिए रिविजन सीरीज वगैरह सब आएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और इस तरह से क्लासेस करते जाइए, ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑलराइट. और बहुत ही जल्द जो है हम लोग दिसंबर टर्म के लिए भी नया बैच अनाउंस करने वाले हैं. सो व्हाई टू वरी व्हेन MEPL इज हियर. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय एवरीवन.